इस युद्ध में शुरू में जर्मनी को सफलता मिली, वह फ्रांस की ओर बढ़ने में सफल रहा और रूस के आक्रमण को पराजित कर पाया, किंतु शीघ्र ही ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर जर्मनी की बढ़त पर रोक लगा दी। एक लंबे समय तक दोनों सेनाएं एक दूसरे को आगे बढ़ने से रोकती रहीं। पूर्व में रूस को हार का सामना करना पड़ा और अंत में वहां सन 1917 में क्रांति हुई, जिसका एक मुख्य ध्येय लोकतंत्र और युद्ध की समाप्ति था। रूस की क्रांतिकारी सरकार जर्मनी से समझौता करके युद्ध से अलग हो गई। उसी समय सन 1917 में अमेरिका के युद्ध में प्रवेश से उसके असीम संसाधन जर्मनी के खिलाफ उपयोग में आए और जर्मनी में सम्राट केसर विलियम के खिलाफ लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्रांति हुई। क्रांतिकारी सरकार ने युद्ध समाप्ति के लिए कदम उठाया और अमेरिका के पहल पर 11 नवंबर 1918 में युद्ध विराम की घोषणा हुई। इस प्रकार 4.25 वर्ष तक चलने वाला यह युद्ध समाप्त हुआ। इस युद्ध में लगभग 80 लाख सैनिक मारे गए, लगभग 2 करोड़ व्यक्ति घायल हुए या युद्ध के कष्ट सहन करने के कारण मर गए और अस्त व्यस्त सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए प्रयास करना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध में नई तकनीकें। मशीन गन। ट्रेंचों के जाल के पीछे आमतौर पर मशीन गनों का उपयोग किया जाता था। इनका उपयोग पहली बार इसी युद्ध में किया गया। एक मशीन गन के माध्यम से प्रति मिनट सैकड़ों गोलियां दागी जा सकती थी। राइफल, जिसे एक बार चलाने के बाद दोबारा गोली भरना पड़ता था, की तुलना में मशीन गन की मारक क्षमता करीब 100 गुना बढ़ गई। तोप। इस युद्ध में भारी मात्रा में तोपों का उपयोग किया गया। सबसे भारी तोपों से 50 से 60 गोले प्रति मिनट दागे जा सकते थे। निश्चित दूरी पर लगातार मार करने वाली तोपें ट्रेंचों से हो रहे गतिरोधों को तोड़ने में सक्षम थी। तोपों से प्रतिद्वंदी सैनिकों, उनके हथियारों, उपकरणों और ट्रेंचों को एक साथ नुकसान पहुंचाया जा सकता था। टैंक। सन 1899 में ब्रिटेन में मशीन गन एवं बुलेट प्रूफ स्टील के आवरण से ढके युद्धक मोटर कार का विकास हुआ। पहियों की जगह इसमें चैन ट्रैक लगाकर इसे कीचड़ और उबड़ खाबड़ खाइयों पर भी चलने लायक बनाया गया। इस तरह टैंक का आविष्कार हुआ। पनडुब्बी। जर्मनी ने समुद्र की सतह के नीचे छुपकर चलने वाली और विरोधी जहाजों पर गोले दागने वाली यू बोट पनडुब्बी का निर्माण किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के 50% व्यापारिक जहाज जर्मन यू बोट के द्वारा नष्ट कर दिए गए। विषैली गैस। जर्मनी, जिसके औद्योगिकरण में रसायन उद्योग महत्वपूर्ण था, ने युद्ध में विषैली गैसों का प्रयोग किया, जिनके प्रभाव से लोगों की मौत हुई या वे अंधे हो गए। इसके चलते विरोधी देशों ने सैनिकों को गैस नकाब पहनकर लड़ना पड़ा इसके दुष्प्रभाव को देखते हुए युद्ध के कुछ समय बाद ही सारे देशों ने मिलकर निर्णय लिया कि आने वाले समय में इस तरह के रासायनिक हथियारों का उपयोग युद्ध में नहीं किया जाएगा। इसे जिनेवा कन्वेंशन कहते हैं, जिसमें युद्ध लड़ने के नियमों को लेकर कई महत्वपूर्ण नियम स्वीकृत किए गए। रेलगाड़ी। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों, शस्त्रों, रेल मार्ग से चलने वाली तोपों व रसद को दूर के ठिकानों तक पहुंचाने का काम रेलगाड़ियों ने किया और इस प्रकार इस नए यातायात साधन ने युद्ध में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। विमान। दिसंबर 1903 में राइट बंधुओं के प्रथम विमान बनाने के बाद से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत तक विमानों का निर्माण और तकनीकी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी। इस दौरान विमानों का प्रयोग मुख्यतः हवाई गश्त के माध्यम से शत्रु सेना के टोह लेने के लिए किया जाता था। जल्द ही सरकारें विमानों के सामरिक महत्व को समझ गई। फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विमान निर्माण की तकनीकी का तीव्रता से विकास हुआ। युद्ध के प्रारंभ और अंत के बीच दोनों गुटों में विमान की संख्या 850 से बढ़कर 10,000 तक हो गई। प्रथम विश्व युद्ध के अंत तक हवा में अधिक देर टिकने वाले तेज, शक्तिशाली, मजबूत और अधिक विकसित विमानों का निर्माण शुरू हो गया। युद्ध का जन सामान्य पर प्रभाव। यह पहला ऐसा युद्ध था
जिसने किसी देश के सभी लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस तरह के युद्ध को पूर्ण युद्ध, टोटल वार कहा जाने लगा। जो लोग युद्ध क्षेत्र में रह रहे थे उन्हें बेघर होना पड़ा। उनके घर, खेत आदि ध्वस्त किए गए। उन्हें आए दिन विरोधी सेना की लूटपाट, बलात्कार जैसे जुल्म का सामना करना पड़ा। बेल्जियम, फ्रांस, पोलैंड, रूस आदि देशों में यह सर्वाधिक रहा। सभी सरकारें अपनी जनता का समर्थन पाने के लिए युद्ध उन्माद पैदा करने लगी, जिसमें देशभक्ति के साथ साथ विरोधी देश के प्रति आक्रोश और घृणा पैदा की जाती थी। स्कूलों के पाठ्यपुस्तकों से लेकर पोस्टर, नाटक जैसे सांस्कृतिक माध्यमों का उपयोग इसके लिए किया गया। युद्ध के शुरू के वर्षों में आम जनता पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। वह बड़े उत्साह के साथ युद्ध के प्रयासों में जुट गई। अक्सर लोगों का प्रकोप अपने देश में ही रह रहे भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर पड़ा। कई देशों में इन अल्पसंख्यकों को अलग शिविरों में पुलिस की निगरानी में रहना पड़ा। शुरुआती समय में युद्ध उन्माद के चलते लाखों युवक सेना में भर्ती हुए और देश के लिए मरने मारने के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे जब युद्ध की वास्तविक सच्चाई उभरने लगी तो हर देश में युद्ध समाप्ति और शांति बहाली की मांग उठने लगी। युद्ध में लगभग हर परिवार का कोई ना कोई सदस्य सेना में भर्ती हुआ था, जो या तो लौटा ही नहीं या अपाहिज होकर लौटा। वहीं उन परिवारों को कई अन्य रूपों में युद्ध की कीमत चुकानी पड़ी। युद्ध के चलते खाद्य पदार्थों की बहुत कमी होने लगी। इसका कारण यह था कि सरकारें अपनी सेनाओं के लिए खाद्य पदार्थ भारी मात्रा में खरीद रही थी, जिससे सामान्य बाजार में उनका अभाव होने लगा। दूसरा कारण यह था कि हर देश के भोजन में कई ऐसी वस्तुएं थी जिनकी आपूर्ति दूसरे देशों से आयात से होती थी, जो अब युद्ध के कारण बुरी तरह प्रभावित हो गई। कई देशों की सरकारों ने आम लोगों को न्यूनतम खाद्य पदार्थ मिले इसके लिए राशन दुकानों के द्वारा वितरण कार्य शुरू कर दिया। इसी तरह कारखानों को अब युद्ध सामग्री के निर्माण के लिए परिवर्तित किया गया, जिसके कारण दैनिक उपयोग की चीज़ों के उत्पादन में कमी आई। इन सब बातों के चलते खाद्य पदार्थ और अन्य जरूरी सामग्री की कीमतें दुगनी या तिगुनी हो गई, मगर मजदूरों के वेतन में अपेक्षाकृत बढ़ोतरी नहीं हुई। अस्पताल, चिकित्सा जैसे सार्वजनिक सुविधाएँ भी अब युद्ध के लिए उपयोग की जाने लगी, जिस कारण सामान्य नागरिकों को कष्ट उठाना पड़ा। साथ ही जब युद्ध में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती गई, हर देश में लोग यह विश्वास करने लगे कि उनके देश में लोकतंत्र न होने के कारण ही सरकारें इतनी आसानी से ऐसे घोर युद्ध में उतर गई। यदि लोकतंत्र स्थापित होता तो सरकारों को लोगों की सुननी होती और उनकी इच्छा के विरुद्ध ऐसे युद्ध नहीं होते। युद्ध समाप्त होते ही पुराने और विशाल साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो गए और उन देशों में लोकतांत्रिक क्रांतियों की लहर फैली। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्की, रूस, इन सभी देशों में जो साम्राज्य स्थापित थे उन्हें खत्म करके वहां लोकतांत्रिक सरकारें बहाल हुई। भारत में भी इस युद्ध का गहरा असर पड़ा। एक ओर युद्ध में भारतीय सैनिकों को भेजा गया, दूसरी ओर युद्ध के लिए धन जुटाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने करों में भारी वृद्धि की।